sorry ass DJ. Sorry ass DJ. नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताते रहते हैं। आज हम एक वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन कहूँ मैं डिस्ट्रिक्ट की, या मैं कहूँ कि पूरे स्टेट के अंदर जिसने शिक्षा का अलग जगाया है, युधवंशी शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलेटेड बाई CBSE हांसी में बैठे हैं और उनके वर्दी प्रिंसिपल के साथ गुफ्तगू करेंगे। जो उनकी छुट्टियां हैं प्रीपोन कर दी गई हैं और बच्चों की ऑनलाइन स्टडी कैसे चल रही है, डिजिटल स्टडी कैसे चल रही है, और इसके अलावा को कल्चरल एक्टिविटीज़ भी स्कूल में हो रही हैं डिजिटल माध्यम से। टुडे आई एम सिटिंग विद ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर कपिल बंसल। He is one of the educationist, a good educationist, and awarded by the very, very prestigious institution, Yudhvansi Shiksha Niketan Senior Secondary School, Hansi ke honorable worthy principal hai. Qualified BSc non-medical, MA English, B.Ed English Mathematics, Science. TGDCA 2009 में आपको अवार्ड मिला वन डिबेटर ऑफ स्पोकन इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्रॉम रेड क्रॉस सोसाइटी, इज इट सो? 2015 में बेस्ट टीचर अवार्ड मिला ICCI बैंक के द्वारा। 2018 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड, जो हमारे पूर्व में प्रेजेंट रहे, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा मिला आपको, वेरी गुड अचीवमेंट है आपकी। 2019 में बेस्ट इनोवेटिव प्रिंसिपल ऑफ द ईयर 2019 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एडवाइजर और बेस्ट एजुकेशनिस्ट अवार्ड MHRD गवर्नमेंट इंडिया एजुकेशन मिनिस्टर समालिया ऑब्लिग नाइजीरिया अर्जेंटीना इन दिल्ली वेडनेसडे टाइम्स मैगजीन एरियो विंडो सोसाइटी, इज इट सो? एंड मैनी मोर ही हैज नोटिसिएबल एक्सपीरियंस ऑफ द सेवरल ईयर्स इन आलूवासिया विद्या विहार वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल DPS जिसे हम बोलते हैं मेगा माइंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल। डॉक्टर साहब, आपका मैंने प्रोफाइल पढ़ा तो मैं तो खुद कॉम्प्लेक्स में आ गया कि इतनी बड़ी एमिनेंट पर्सनैलिटी का इंटरव्यू मैं कैसे कंडक्ट कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब, विगत यानी कि 4 सालों से ये स्कूल चल रहा है जिसे हम युधवंशी शिक्षा निकेतन स्कूल कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, CBSE से एफिलेटेड है, और इसमें सभी स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स की स्ट्रीम है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, आप ह्यूमिनिटी ग्रुप का है, ह्यूमिनिटी ग्रुप का है। ग्लोबल पैंडेमिक के चलते बच्चे घरों में बंद हैं, आपकी डिजिटल एजुकेशन कैसी चल रही है, प्रॉपर चल रही है क्या, और एडमिशन क्या होगा? धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। टुडे आई एम आल्सो फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड दैट आई एम मीटिंग वन ऑफ द प्रेमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ हांसी बंसल जी, हांसी की आवाज चैनल से, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मेरी सेवाएं हांसी में देने का मौका मिला है, और उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं यह समझता हूँ कि मैं युधवंशी शिक्षा निकेतन, जो इंडिया का बेस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, उसका मैं एक पार्ट हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस ग्लोबल पेंडेमिक के चलते हमने बच्चों की डिजिटलाइजेशन एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस किया है, हमने बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन के चलते इन सभी बातों का ध्यान रखा है कि कैसे हमने बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है ताकि उनके आईज पर इफेक्ट ना पड़े,
कैसे बच्चों को चैनलाइज करके, उनकी एनर्जी को ऑनलाइन चैनलाइज करके कैसे हमें एजुकेशन को पैरेलल रखना है और कैसे हमें इस पेंडेमिक को मात देनी है। इसके चलते हमने न केवल एकेडमिक, इनफैक्ट को करिकुलर एक्टिविटी से हमारा एक ऐसा करिकुलर डिज़ाइन किया है ताकि ऑनलाइन में बच्चों को एंथुजियाज्म के साथ वो अपनी एकेडमिक से एंटरटेन भी हो सकें और एक क्वालिटेटिव लर्निंग को एक्सेप्ट कर सकें। इसके चलते मैं अप्रिशिएट करता हूँ पूरी यदुवंशी की टीम को, इंक्लूडिंग टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड एवरीवन। दे ऑल आर डूइंग ट्रिमेंडसली टू डू सो इन दिस नॉबल डीड, एंड डेफिनेटली आई नॉट ओनली होप बट बिलीव इन अपकमिंग ईयर्स यदुवंशी विल डेफिनेटली इंश्योर मैक्सिमम एडमिशंस इन नीट IIT बिकॉज यदुवंशी इज नॉन फॉर सच कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। So, I wish. And during the digital education, so many bottlenecks comes faces the students. तो उनकी जो problems हैं उनको आप कैसे redress करते हैं, online redress हो जाती हैं या offline भी कभी कभार उनको बुला लेते हैं? यदुवंशी शिक्षा निकेतन शुरू से ही बच्चों की छोटी छोटी जो शिकायतें रहती हैं उन पर वर्क करता आया है। देखो, कार्य जहाँ होंगे वहाँ पर शिकायतें भी आएंगी, एप्रिसिएशन भी आएगा, हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने एकेडमिक्स क्लासेस लगाई, डांस क्लासेस लगाई, योगा क्लासेस लगाई, उसके चलते भी हमें लगा कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है घर पर रह करके, क्योंकि ये थोड़ा सा रूरल एरिया है, गांवों से भी बच्चे आते हैं, तो हमने सोचा कि स्कूल में बच्चे आ नहीं रहे और उनकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो बड़ी अफेक्ट होगी घर पर रह करके, इसीलिए हमने बच्चों की स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाई हैं ताकि बच्चों का जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो सके और बच्चे अपने एम को, अपने गोल को एक प्रॉपर सिटीजन बन करके, एक परफेक्ट चाइल्ड बन करके अडेप्ट कर सके। थैंक यू। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागनी रोगी को मिले आराम। ये मुक्तक मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हाल ही में आप एक गीत प्रतियोगिता, जिसे मैं कहूँ सिंगिंग कंपटीशन करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं, एंड इट इज ऑनवर्ड 5th June to 10th June, या आई थिंक सो। तो ये सिंगिंग कंपटीशन पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होंगे, इसमें रिलीजियस सॉन्ग होंगे, फैमिली सॉन्ग्स होंगे, या सभी बहुत सोशल सॉन्ग्स होंगे, क्या होंगे कि भी इन बच्चों में कितनी प्रविष्टियाँ होंगी, ये एज ग्रुप क्या होगा? आई वॉन्ट टू योर सेल्फ कि यू कैन एलोब्रेट द थिंग्स टू अवर व्यूअर्स दिस ओपन कंपटीशन अप टू 16। थैंक यू। यस, ये जो ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन है न केवल यदुवंशी स्कूल के बच्चों के लिए, इनफैक्ट ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने ऑर्गेनाइज किया था। ये हमारे चेयरमैन सर की, श्री राव बहादुर सिंह जी की नई सोच है। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे घर पर रह करके ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करके एक मोनोटोनी आ गई है उनकी, उनका जो शेड्यूल है वो मोनोटोनस हो चुका है, उसमें एक चेंज लाने के लिए, क्योंकि सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मोस्टली बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं, उसमें एक चेंज लाने के लिए सर ने ये एडवाइस किया था कि सिंगिंग कॉम्पिटिशन रखिए ऑनलाइन, स्टीरियोटाइप ना हो जाए। एग्जैक्टली, मोनोटोनस, हाँ, मोनोटोनस शेड्यूल उनका ब्रेक करने के लिए, एक फ्रेशनेस लाने के लिए हमने ये सिंगिंग ऑनलाइन कॉम्पिटिशन किया है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। पहले हमने इसे डिस्ट्रिक्ट वाइज किया था, परंतु अब ऑल ओवर इंडिया से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 5 से 16 साल के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना नाम और अपने माता पिता का नाम और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और व्हाट्सएप नंबर के सहित उनको जो एंट्रीज है वो हमें सेंड करनी है, नंबर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उसका। और सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए इसमें हमने पहले 5 जून तक रखी थी कि 5 जून तक आपने अपनी एंट्रीज को सबमिट कराना है, परंतु अब हमने उस तारीख को एक्सटेंड करके 8 जून कर दिया है। 10 जून को 10 से 12 बजे दिन में आपने अपनी एंट्रीज को दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। उनमें से जो फाइनल 10 एंट्रीज होंगी उनको यदुवंशी शिक्षा निकेतन में बुला करके 10 एक्शन बाइसिकल्स हमारे चेयरमैन सर के द्वारा दी जाएंगी, और ये बहुत अच्छी पहल है, उनकी सराहनीय है, एंड डेफिनेटली अ ग्रेट एंथुजियाज्म कैन बी सीन अमंग द स्टूडेंट्स फॉर दिस।
and I'm also looking forward to the best competition ever at Hasi. Thank you. एंड डॉक्टर साहब, आपने पूरा ही एलिब्रेट कर दिया, और मैं तो चाहूँगा कि आपकी जो ये इंस्टीट्यूशन है इसी तरह हाई पिक्स पर जाती रहे, और आपके आने से इस इंस्टीट्यूशन में और ज़्यादा यानी कि सुधार आएगा, और ये रूरल राइट एरियाज़ के बच्चों को कवर भी करती है, शहर के बच्चों को भी कवर करती है, और एजुकेशन का अलग जगह रही है. आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड यू डॉक्टर साहब टू कमिंग ऑन माई मीडिया हंसी की आवाज़.